हिंदू धर्म में वैसे तो प्रत्येक प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है, परंतु सावन का प्रदोष व्रत अधिक खास हो जाता है क्योंकि सावन माह भगवान शिव को बेहद प्रिय है। कहा जाता है कि सावन माह में भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है, इसके साथ ही कष्टों से मुक्ति मिलती है। सावन का दूसरा प्रदोष व्रत की बात की जाए तो बता दें आपको, साथ ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सावन के दूसरे प्रदोष से पूजा करने से मनोकामना पूरी होती, विधि विधान से पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है, इसके साथ ही सभी कष्ट जो हैं वो समाप्त होते हैं, सभी कष्ट समाप्त होते हैं। पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह की प्रत्येक त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 20 अगस्त 2021 दिन शुक्रवार को है, इसलिए सावन का प्रदोष व्रत जो है 20 अगस्त को रखा जाएगा। सावन के प्रदोष व्रत पर बन रहा है यह शुभ संयोग। चलिए बताते हैं क्या है शुभ संयोग। बता दें आपको कि पंचांग के अनुसार सावन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 20 अगस्त को रात 8:50 तक रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी लग जाएगी। सावन 2021 के प्रदोष व्रत के दिन आयुष्मान और सौभाग्य योग का शुभ संयोग बन रहा है। हिंदी पंचांग के मुताबिक 20 अगस्त को दोपहर 3:32 तक आयुष्मान योग रहेगा, तत्पश्चात सौभाग्य योग लगेगा। मान्यता है कि इस शुभ योग में किए गए सभी कार्यों का शुभ फल प्राप्त होता है। प्रदोष काल में पूजा के महत्व की बात की जाए तो बता दें आपको कि प्रदोष व्रत की पूजा का महत्व प्रदोष काल में करने से बहुत अधिक बढ़ जाता है। प्रदोष काल संध्या के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले शुरू होकर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बता दें आपको कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट राइन स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।